नमस्कार सभी को। आज हम लोग प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन देखेंगे। फिजिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है, आपका भौतिक विज्ञान क्लास 10 का एक चैप्टर है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता, कैसे होता है, और अपवर्तन भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रकाश क्या होता है ये जानेंगे, प्रकाश क्या होता है ये जानेंगे। ये प्रकाश आपका एक ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एनर्जी है, जो आपका किस संचरित में रूप में संचरित होता है, तरंगों, एक आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में वो क्या होता है, संचारित होता है। प्रकाश के कारण ही हम अगल बगल कोई भी वस्तु आप देख रहे हो, पंखा, पेन, टेप, बुक, ठीक है, वो कैसे कारण देख रहे हो, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या होता है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है या आपका सामान है, इस पर क्या हुआ, लाइट यहाँ पे फॉल किया, लाइट फॉल होने पर क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा या आपका बिखरेगा, तो ये लाइट आपको कुछ क्या होगा, आपके आई में जाएंगे, आँख में जाएगा, आँख में जाएगा, और ये आपका क्या इमेज इसका दिखेगा कि ये आपका क्या चेयर है, ये मेरा कुर्सी है, आप बोल सकते हो बुक है, पेन है, ठीक है, कॉपी है, स्लेट है, फैन है, ठीक, आप आसपास का कोई भी सामान बता सकती हो। तो कोई भी पूछे कि व्हाट इज लाइट या प्रकाश क्या है, तो क्या बोलोगे, एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है, संचरित होते हैं, और प्रकाश के कारण ही हम कोई ऑब्जेक्ट को, वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपके ऑब्जेक्ट या पिंड, दो तरह के होते हैं, प्रदीप्त पिंड होता और दूसरा क्या होता है, अप्रदीप्त पिंड होता है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं अप्रदीप्त पिंड को नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त या दीप्त पिंड कहलाते, जिसका अपना खुद प्रकाश हो, वैसा वस्तु जिसके पास खुद प्रकाश हो, प्रकाश का उत्सर्जित करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त पिंड या दीप्त पिंड कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, मोमबत्ती, तारे, बिजली का बल्ब, ये क्या है, सारे प्रदीप्त या दीप्त पिंड हैं, क्योंकि उसका अपना लाइट होता है और उत्सर्जित अपना प्रकाश करता है। अब आता है अप्रदीप्त पिंड, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, क्या होता, जैसे कुर्सी, फैन, ठीक है, टेबल, बुक, चंद्रमा, चंद्रमा जो है आपका प्रकृति का है, ठीक है, प्रकृति है, ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश खुद वर्त उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, चंद्रमा आदि। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या बोलता है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो क्या हुआ कि वस्तु पर देखो, ये यहाँ पे कोई एक वस्तु है, वस्तु है, अब क्या हुआ, यहाँ पे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से क्या हुआ, रेज, लाइट रेज यहाँ पे बाहर आए, लाइट की किरण, प्रकाश की किरण यहाँ पे फॉल किया। अब एक पर्सन यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, अब क्या हुआ, यहाँ से लाइट तो गिरी, और ये लाइट गिरने बाद ऑब्जेक्ट क्या किया, उसे रिफ्लेक्ट करके उसके आँख तक पहुँचा दिया, उसके आँख तक क्या हुआ, पहुँचा दिया, तो इसका इमेज क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब जो है ऑब्जेक्ट का या वस्तु का उसके आँख में बन गया, और उसे वो इजीली से पहचान ले रहा है कि वो कुर्सी है, वो टेबल है, वो आपका क्या कलम है, एक कॉपी है, आप पहचान रहे हो। तो वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है, वस्तु पर कोई भी अगर प्रकाश पड़ता है तो उसे क्या करता है, परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है, या परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आँखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। कि वस्तु पर कोई भी प्रकाश को वस्तु, ठीक है, वस्तु परावर्तित पड़ता है, वस्तु पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो वस्तु क्या करता है, उसे परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करने बाद वो जो परावर्तित किरण आता है, परावर्तित किरण, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या होता है, हमारे आँख ने उसे क्या कर लिया, प्राप्त कर लेता है। आँख प्राप्त करने के बाद क्या होता है, अपरावर्तन वस्तु जो बना वो हमारे आँखों के द्वारा क्या होता है, देखने योग्य बना देता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, प्रकाश की किरण,
प्रकाश की किरण। अब आता है प्रकाश की किरण क्या होता है। जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होता है। प्रकाश की किरण जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है, जब प्रकाश के स्रोत से, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट से, अगर लाइट वहां से निकल रहा है तो वहां पे आप क्या होता है सीधी और ट्रेवल करता है, सीधा ट्रेवल करता है, सीधा और एक सरल रेखा होता है। ठीक है, लाइट है, लाइट हमेशा किस में, स्ट्रेट लाइन में या सीधी एक सरल रेखा होती है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं, और प्रकाश के स्रोत से जो रे आपका चल रहा है प्रकाश को क्या रेखा, जो इस रेखा को क्या कहेंगे, ठीक है, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें धीरे रेखा में चलती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का किरण हमेशा सीधी चलेगी, सीधी रेखा में चलती है। जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों के रास्ते में आ जाती है तो यह छाया बनाती है। तो अपारदर्शी वस्तु मतलब जिसे छेद नहीं कर सके, वो आर पार नहीं देख सके, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु अगर आ जाता है प्रकाश की किरण के रास्ते में तो यह क्या, एक छाया बनाती है, एक प्रतिबिंब बनाती है। प्रकाश की किरणों के द्वारा छाया बनाने की प्रक्रिया हमें यह बतलाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या बोलो कि यहाँ पे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट लेके आ गए, मींस कि अपारदर्शी वस्तु ले आए जो आपका ओपेक कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, और यहाँ से क्या किए, एक लाइट पास करवा दिए। लाइट जब पास करवा दी तो क्या हुआ कि आप वहाँ से ट्रेवल नहीं करेगा, यहाँ पर क्या करना, एक छाया बना देगा, छाया बना देगा। तो उससे हम क्या पता कर लेंगे, छाया जैसे बनाएगा वैसे हम कह देंगे क्या, प्रकाश जो है सीधी आपका सीधा रेखा में गमन करती है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन, आप देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि मानो कि एक आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, एक आपका प्लेन सरफेस पे, ठीक है, तरल सतह पे एक रे को आप एक प्रकाश की किरण को क्या करवाए, फोल्ड कर दिए। फोल्ड करवाने के बाद कुछ ये क्या हुआ, इंसिडेंट होने के बाद, गिरने के बाद, एक पॉइंट पे गिरने के बाद, बिंदु पे गिरने के बाद क्या हो गया, जितना ये आपका रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसी का हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे या प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ, ये मानो परावर्तक पृष्ठ है, प्लेन सरफेस है, उस पर क्या करता है, टकराता है, तो या उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है, तो वही माध्यम में क्या, वही अगर एयर में है तो एयर में ही क्या हुआ, मुड़ गया, तो उसे जिस माध्यम से यह आता है, जिस माध्यम से वो आ रहा है उसी माध्यम में क्या हो, मुड़ जाए, तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे आपका रे, यहाँ पे ए था, क्या ए मेरा था परावर्तक पृष्ठ, कोई रे यहाँ पे आपका प्रकाश की किरण क्या हुआ, टकराया आप क्या हुआ, टकराने के बाद वही डायरेक्शन में, वही दिशा में, वही माध्यम में क्या हो गया, आपका मुड़ गया, पुनः मुड़ गया जिस माध्यम से वो आ रहा था, तो उस इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको आप प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण अगर कोई भी वस्तु से टकरा कर आपस लौट रहा है, टकराने के बाद वो लौट रहा है, प्रकाश की किरण क्या करना, लौटना, तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझा गया, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकरा कर लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कि कोई भी वस्तु से अगर प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, टकरा कर वापस लौट रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे, परावर्तन कह देंगे, प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे देखेंगे, आप मानो कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये परावर्तक पृष्ठ है, पॉलिश किया हुआ सत्ता है, प्रकाश का परावर्तन करवा रहे हैं, तो ये आपका आपतित किरण क्या हो रहा है, ये आपतित किरण आप कहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पे क्या करवा रहे हो, गिरा रहे हो, ठीक है। गिराने के बाद वो क्या हुआ, टकराया कहाँ पे, परावर्तक पृष्ठ पे ये टकराया, टकराने के बाद वो क्या हुआ, एक आपका वही उसी रास्ते में क्या हो गया, उसी में आपका क्या हुआ, उसी माध्यम में लौट कर आपका क्या, प्रकाश की किरण आपस चला गया, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ये इसका आप क्या है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। आपतित किरण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
अब जो आपका और एक इसमें क्या होता है, अभिलंब होता है, अभिलंब उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो ये आप अगर परावर्तक पृष्ठ के ऊपर आप क्या बना देते हो, 90 डिग्री का एक लाइन बना देते हो, सीधा लाइन बनाते हो परावर्तक कोण पृष्ठ से के साथ, तो इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब अभिलंब और आपका आपतित किरण के बीच में एक एंगल होता है आई, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जिस बिंदु पे आपका आपतित किरण फॉल कर रहा है, गिर रहा है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और इसके बाद अभिलंब और आपका परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, आपतित किरण किसे बोलते हैं। आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरणें किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे। किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर क्या पड़ रहा है, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पे जो आपका गिर रहा है किरण, प्रकाश स्रोत से जो किरण गिर रहा है, उस किरण को हम क्या बोल देंगे, आपतित किरण बोल देंगे। परावर्तित किरण किसे बोलेंगे, किसी वस्तु से टकरा कर लौटने वाली किरणें परावर्तित किरण कहलाती है। मीन्स कि किसी वस्तु पर क्या हुआ, लाइट आपका जो किरण है वो टकरा के वापस लौट गया, तो उस किरण को हम क्या बोलेंगे, उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब आता है अभिलंब। अभिलंब क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो परावर्तित होने की सत्ता पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिंदु पर लंब होती है, वह अभिलंब कहते हैं। कि एक काल्पनिक आपका जो अभिलंब है, एक क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो परावर्तित होने वाली सतह पर क्या होता है, प्रकाश की किरण जहां पे जिस बिंदु पर पड़ता है वहां से क्या बनाते हैं, लंब बनाते हैं। किसके साथ लंब बनाते हैं, आप परावर्तक पृष्ठ के साथ। तो उसके हम क्या बोलेंगे, उस काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे, आप अभिलंब कहते। अब आता है आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसे हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलते हैं। आगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नोट एक याद रखना, प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। मीन्स की जिसे आपका रे पार नहीं हो सकता, मीन्स की रोक दे ऑपेक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपरावर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है, ठीक है। प्रकाश का अगर परावर्तन करवाना है, रिफ्लेक्शन करवाना है, तो उसे वस्तु कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। और अगर यही अपरावर्तन करवाना है, रिफ्लेक्शन करवाना है, रिफ्लेक्शन, तो उसमें क्या होना चाहिए, पारदर्शी वस्तु होना चाहिए। ये आपको समझ में आया होगा। अब आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होता है। पहला नियम जो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है वो क्या बोलता है, आपतन कोण और आपका परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स कि आप एंगल आई इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, एंगल आर कह सकते हो, एंगल आर कह सकते हो। मीन्स कि आप यहाँ पे ये क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये आपका क्या हो गया, किरण हो गया, ठीक, आपका आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ए आपका क्या हो गया, ए आपका परावर्तित किरण हो गया, ए आपका आपतित किरण हो गया, ठीक है, और ए आपका क्या हो गया, ए आपका परावर्तित किरण हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ए आपका अभिलंब हो गया। अब ये मानो कि आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री है आपका, जो आपका आपतन कोण है वो क्या 30 डिग्री है, तो आपका जो परावर्तन कोण होगा वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपका लॉ आपका है, परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, वो क्या बोलता है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं,
सब एक ही प्लेन पे क्या होता है, होता है। आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपका परावर्तित किरण, ये तीनों जो है आपका दर्पण, आपका क्या बोलते परावर्तक पृष्ठ के एक ही तल पे क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। नोट, परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है, कि आपका जो परावर्तन का या नियम, जो दो नियम अभी अभी आप पढ़े, वो दोनों नियम गोलीय दर्पण में भी लग सकता है और आपका परावर्तक पृष्ठ जो भी है, प्लेन सरफेस, ठीक है, प्लेन मिरर, आपका समान मिरर दर्पण, उसमें भी आपका लागू होता है। दर्पण, दर्पण क्या होता है, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण क्या होता है, एक आपका चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जिस, जो अपने सामने कुछ, उसके सामने जो अगर आपका वस्तु रखा हुआ है तो उसका क्या प्रतिबिंब बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते। अब आगे देखेंगे, दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, दर्पण आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इंग्लिश में समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। समतल दर्पण, अब देखेंगे समतल दर्पण होता क्या, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण का आरेखीय निरूपण आप देख सकते हो कि ये आपका पिछला, ये आपका क्या, आपका सिंपल प्लेन रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, ये आपका क्या कह सकते हैं, आयतनाकार होता है। अब उसमें क्या, पीछे वाला भाग जो होता है, बैक वाला भाग, पिछला भाग, वो आपका पॉलिश किया हुआ रहता है, किसका, ये आपका सिल्वर या चांदी का लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, उसको क्या कलर कर दिया जाता है, ग्रीन, ग्रीन हरा कलर या लाल कलर उस पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आपका पॉलिश खराब ना हो और आपका जल्दी से क्या मिरर जो है दर्पण वो खराब ना, और सामने वाला भाग क्या रहता है, आपका परावर्तक पृष्ठ होता है, सामने वाला आपका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होते हैं। अब आता है समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, घर में जो है आपका जो समतल दर्पण का यूज किया जाता है चेहरा देखने के लिए। दूसरा है सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि में यूज किया जाता है, आदि में आपका उपयोग किया जाता है फेस देखने के लिए। तीसरा आपका पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का यूज होता है, पेरिस्कोप ठीक बनाने में आपका क्या, ठीक है, सैलून आपका समतल दर्पण का उपयोग होता है। अब आता है आगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, आप उसका नेचर देखेंगे, जो समतल दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका प्रकृति कैसा होता है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, हिंदी में बोले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है इंग्लिश में। तो इसके द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा, तो ये आपका आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। आभासी मतलब वो आपका रियल रे से, वास्तविक किरण से नहीं बनता, आपका क्या, आपका दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे आपका क्या, किरण नहीं जा सकता, तो हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी उसे मिला के प्रतिबिंब बनाते हैं, जहाँ पे आपका दो रेज, कम से कम दो रेज अगर आपका किरण मिल रहा है जहाँ पे, वही बिंदु पे आपका क्या होगा, इमेज या प्रतिबिंब बनते हैं। तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने सामने रखा होता है, ठीक है। आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पे होगा जितना दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट या वस्तु दर्पण के सामने रखा हुआ होता है, उतना ही की दूरी पे आपका क्या, ऑब्जेक्ट जो इमेज का डिस्टेंस होता है, मीन्स कि आप यहाँ कह सकते हो प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता किसका, आपका ऑब्जेक्ट की दूरी से, या बोल सकते हो बीम की दूरी से, बीम की दूरी बराबर होती है, बीम की दूरी से बराबर होता है। मानो कि आपका ए आपका एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से मानो ओ है और ए आपका पी है, ओ पी इज इक्वल टू ये आपका ए भी है, तो क्या हो जाएगा, आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ भी होगा, मीन्स कि आपका प्रतिबिंब की दूरी और आपका बीम की दूरी दोनों बराबर होंगे, तो ए आपको याद रखना है दो पॉइंट।
अब आता है गोलीय दर्पण। गोलीय देखिए यहाँ पे एक बीम है आपका, ए बी आपका बीम है, क्या हुआ एक दो रे आपका क्या हुआ रिफ्लेक्ट किया, एक आपका परावर्तित हुआ यहाँ से, ठीक है तो ये क्या हुआ फिर यहाँ से आपका ये मिरर में टकरा के समतल दर्पण से टकरा के आपस क्या हो गया, आपस वही रास्ते में आ गया। क्या हुआ ये लाइट लंब में गिराए, लंब में गिराए। दूसरा क्या हुआ आपका ए आपका यहाँ, तो जितना एंगल पे आप गिराओगे, जितने कोण पे आप गिराओगे ठीक है, उतने ही कोण से उतने ही कोण बनाते हुए आपस लौट जाएगा। तो एक आपका यहाँ बन रहा है, आप दोनों को क्या किए मिला दिए पीछे जाके, जहाँ पे आप वर्चुअली मिल रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, वहाँ पे ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब बन गया। मीन्स कि यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी और सीधा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर आपका बीम दर्पण के सामने रखा होता है। मीन्स कि बीम की दूरी और आप कह सकते हो प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है बराबर होता है। और आप बोल सकते हैं कि आपका ऊंचाई ऑफ ऊंचाई प्रतिबिंब का ऊंचाई और आपका ये बीम का ऊंचाई दोनों क्या होता है बराबर होता है। ये भी आपका तीसरा पॉइंट याद रख सकते हो। अब चलते आगे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किसको कहेंगे, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोला होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं। इसी वर्कता के आधार पर गोलीय दर्पण को दो भाग में दो प्रकार का होता है। इसी वर्कता के आधार पे आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ठीक है, और एक आपका होता है उत्तल दर्पण। एक होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हिंदी में हम इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कनकेव मिरर। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है, जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो किधर होता है धंसा हुआ की ओर होता है, जिधर केंद्र होता है उधर ही होता है ठीक है, या अंदर की ओर होता है, मतलब कि ये आपका क्या है गोलीय दर्पण है गोलीय, तो इसका पोलिश्ड किया हुआ भाग आपका पीछे की ओर होगा, जिधर उभरा हुआ भाग है उधर होगा, और जिधर धसा हुआ भाग है उधर क्या होगा आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। ये आप इधर से ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, क्या करेगा परावर्तन करेगा इधर ए वाला भाग से, और बैक वाला साइड क्या हो जाएगा उसका ये आपका पोलिश्ड किया हुआ रहेगा। तो एक चम्मच का एक परावर्तक सतह अंदर की ओर, आप चम्मच देखे हो ना ऐसे आपका स्पून होता है चम्मच होता है, तो चम्मच के अंदर वाला की वर्किता रहता है या अवतल दर्पण का उदाहरण है। तो ए वाला साइड जो है ए वाला साइड दर्पण का जिधर से हम लोग खाते लेके पकड़ के ठीक है, तो वो वाला साइड आपका क्या हो जाता है अवतल दर्पण होता है, वो क्या कहता है अवतल दर्पण होता है ठीक है। दूसरी ओर चम्मच का बाहर की ओर वर्कित परावर्तक सत्ता एक उत्तल दर्पण का उदाहरण है, और उसके अपोजिट साइड वाला जिधर उभरा हुआ भाग है ठीक है बाहर की ओर वर्कित परावर्तक सत्ता उसको क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं, ये वाला उसका उत्तल दर्पण बोलेंगे, ये क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। तो एक आप स्पून में या चम्मच में दोनों दर्पण देख सकते हो, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। अब चलते हैं आगे की ओर, तो ये आपका अवतल दर्पण का आरेखीय निरूपण है, उसका आपका इमेज है देख सकते हो कि ये आपका जो पीछे वाला भाग है पिछला भाग ये क्या हुआ है आपका पॉलिश किया हुआ भाग है, और सामने का भाग जो है वो क्या परावर्तक पृष्ठ है, तो इसे क्या बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसका जो आपका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो किधर बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ए आपका उत्तल दर्पण है, इसका देखो पिछला वाला भाग जो उभरा हुआ भाग क्या है परावर्तक पृष्ठ है, सामने का फ्रंट भाग जो है क्या परावर्तक पृष्ठ है, और पॉलिश किया हुआ भाग क्या है धसा हुआ जो भाग था उसे पॉलिश कर दिया गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब आता है नेक्स्ट गोलीय दर्पण के पद। गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है वो हम जानेंगे। तो गोलीय दर्पण आप देख सकते हो कि एक आपका क्या गोलीय रे से आपका क्या हुआ कट किया गया है, एक आपका गोला से क्या किया गया कट किया गया है,
जैसे मानो फुटबॉल है, फुटबॉल को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, कट करके ए पार्ट निकाल लिया गया। ए पार्ट निकालने के बाद क्या किया गया, इसके अगर बाहर की ओर, इसके बाहर की ओर क्या कर दिया, पेंट कर दिए, पॉलिश चढ़ा दिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मेरा अवतल दर्पण बन जाएगा। और वही इसके अंदर वाला भाग को हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा उत्तल दर्पण बन जाएगा। अब ये क्या हुआ कि एक आपका क्या गोला से बना हुआ है, तो पूरे वो सर्कल को बना देते हैं, पूरे स्पेयर के टैक पे बना देते हैं। अब क्या होता है, ये जो आपका पी सी ए आपका क्या मुख्य अक्ष होता है, जहाँ पे आपका ध्रुव हो, जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो, उस लाइन वाले को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और सी जहाँ पे उसका सेंटर, जहाँ पे केंद्र होगा आपका गोला का, उसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और जो आपका इसका त्रिज्या, जो गोला का त्रिज्या होगा, वही आपका वक्रता की क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता का त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। वक्रता त्रिज्या हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आपका होता है ये एम एम डैश, जो है आपका क्या है, द्वारक है, क्या है, द्वारक है। एम एम डैश जो है आपका क्या, एम और एम डैश मिरर का जो आपका बाहर वाला है, उसको क्या बोलते हैं, अपरेचर बोलते हैं, ठीक है। बाहर का जो कलई किया, क्या हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, जो ये आपका डैश डैश है वो क्या हुआ है, कलई किया हुआ, किया तल है। पी जो है, पी आपका, पी जो दिख रहा है, एक क्या है, ध्रुव है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे पोल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और आपका जो अंदर वाला भाग है इसका, और इसका बाहर वाला जो भाग है, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक, परावर्तक तल बोलते हैं, ठीक है, परावर्तक तल बोलते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या, उत्तल दर्पण है। तो आपको समझ में आ गया कि एक मिरर में आपके क्या क्या हो सकते हैं, ध्रुव हो सकते हैं, वक्रता केंद्र हो सकता है, आपका द्वारक हो सकता है, और आपका क्या, वक्रता त्रिज्या हो सकता है, मुख्य अक्ष हो सकते हैं, कलई किया तल, और आपका परावर्तक तल, इतने आपके पद होते हैं गोलीय दर्पण में। तो सबसे पहले देखेंगे ध्रुव, ध्रुव किसको कहेंगे, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ को, पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मानो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के पॉइंट जो आपका मिडिल टर्म हो, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, आपका दर्पण के केंद्र जो हो जाएंगे, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो आपका परावर्तक पृष्ठ का आपका सेंटर देखना है, केंद्र देखना है, केंद्र यहीं पर आएगा, तो एक केंद्र को हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे किसे निरूपित किया जाता है, इसे पी से निरूपित किया जाता है, इसे किससे डिनोट किया जाता है, पी से। अब आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ का, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है, परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, ठीक है। इसे, इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस गोला से आपका क्या लिया गया, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ लिया गया है, तो उस गोले का जो केंद्र होगा, वही गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर सी से इंगित किया जाता है, या निरूपित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। इसको सी से, कैपिटल सी से आपका वक्रता केंद्र को डिनोट किया जाता है, या निरूपित किया जाता है। अब आते हैं आगे की ओर। अब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, इसकी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, जो आप दूरी को क्या बोलेगा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या बोल सकते हैं गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होगा, गोले का, गोला का जो त्रिज्या होगा, वही आपका गोलीय दर्पण का क्या, त्रिज्या को कहते हैं, ठीक है। या ध्रुव एक और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का जो आपका दूरी होगा, वही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर आर से इंगित करते हैं, या निरूपित करते हैं, आर से इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या को आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं।
कि ध्रुव और आपका वर्तक केंद्र से एक सीधी रेखा गुजरने वाली को क्या कहेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दर्पण के ध्रुव एवं वर्तक केंद्र के बीच एक एंड बिंदु एफ होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव और वर्तक केंद्र के बीच में, ठीक है, दोनों के माध्यम में बीच में एक बिंदु एफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है, उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है। कि अगर आप मान लो मुख्य अक्ष के समांतर, मानो कि ये आपका क्या है, आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, ये आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप क्या करो, आप समांतर किरण किसके मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये वर्तक केंद्र है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के क्या किए, मुख्य अक्ष के समांतर क्या कोई रे ले लिए, और रे के टकराने के बाद देखे परावर्तन, आप पतित किरण, ठीक है, क्या ले लिए, समांतर ले लिए किसका, मुख्य अक्ष से। अब क्या हुआ, उसे टकराने के बाद कहाँ से प्रतिच्छेद करेगा, फोकस से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आप उसे मुख्य फोकस कहोगे। अब आता है फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर एफ से क्या करते हैं, इंगित कर किया जाता है या उसे डिनोटेट किया जाता है। या दूरी वर्तक त्रिज्या की आधी होती है, जो आपका वर्तक त्रिज्या की दूरी का क्या होता है, आधा होता है आपका फोकस दूरी। अब आता है फोकस दूरी का मान वक्ता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, ये याद रखना है आपको कि फोकस दूरी का मान जो है वक्ता त्रिज्या के क्या होता है, आधे के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, R और R, R आपका क्या है, वक्ता त्रिज्या है, और F मेरा क्या है, फोकस दूरी है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आधा होता है तो क्या हो जाएगा, 2F, मेरा जो फोकस दूरी जो होता है वो क्या, त्रिज्या से क्या होता है, वर्तक त्रिज्या से आधा होता है, तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2F। ये आपको याद रखना है कि आपका वर्तक त्रिज्या इज इक्वल टू होता है, आपका बराबर होता है 2 × फोकस दूरी, 2 × फोकस दूरी। अब आता है द्वारक, द्वारक अभी देखे ना, M और M डैश मीन्स की गोलीय दर्पण कहाँ तक है उसका आपका डायमीटर देखना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अधिकांश क्या होता है, गोलीय ही होता है। तो इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास जो आपका एक आपका क्या होता है, गोला होता है, तो गोला का जो आपका व्यास होता है, डायमीटर, डायमीटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहलाता है। मानो कि ये आपका मिरर है, आपका कौन, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो आपका परावर्तक पृष्ठ है उसके जो आपके बीच का उसका जो व्यास होगा वो गोला होता है, उसके जो आपका डायमीटर होगा, डायमीटर क्या है, एम एम डैश से अभी डिनोट कर रहे थे, ये आपका क्या है, द्वारक है। अब आता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण द्वारा आप देखेंगे क्या, प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रतिबिंब समझेंगे, फिर वास्तविक प्रतिबिंब समझेंगे, फिर आभासी प्रतिबिंब समझेंगे। प्रतिबिंब, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सपोज करो, क्या करो कि एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से क्या गोलीय दर्पण में भी ऐसे क्या हुआ कि एक आपका प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश का स्रोत से एक प्रकाश की किरण आया, प्रकाश की किरण क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट पे आपका आपतित हुआ, गिरा, गिरने के बाद वो क्या हुआ, टकरा कर उससे आपस चला गया, और ये क्या, आँख में जाके किरण कहाँ गया, आँख में पहुँच गया, आँख में पहुँचने के बाद रेटिना पे क्या बना दिया,
ए आपका रेटिना पे क्या बना दिया, आपका एक आकृति बना, उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, समझ में आ गया। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब। आपके प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो रियल इमेज प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को या बोल सकते हो कि आपका वास्तविक किरण से बना हो, जहाँ पे वास्तविक किरण से आपका प्रतिबिंब बना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मीन्स कि जिसे पर्दे पर उतारा जा सके, जिसे स्क्रीन पे आपका प्रतिबिंब बनाया जा सके तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये आप देखे होंगे सिनेमा घर में प्रोजेक्टर में जो बीम बनता है प्रोजेक्टर के द्वारा, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका वास्तविक किरण से बनाया जा रहा है, या स्क्रीन पे क्या हो रहा है, पर्दे पर प्रतिबिंब को उतारा जा रहा है, इसलिए आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो आपका दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा। अब आता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, जो पर्दा पर प्रतिबिंब नहीं बनता हो उसे हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब आपका ये क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक किरण से बनता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे एवं सीधा बनता है, ये आपको इतना माइंड में रखना है। अब चलते हैं आगे नोट्स, कुछ नोट्स है ये आपको याद रखना है। क्या कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के बाद उसे के फोकस से होकर गुजरती है और गुजरती हुई प्रतीत होती है। मानो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा, प्रकाश किरण का आने वाली जो परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, वो फोकस से गुजरती है या आपका गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला कि अगर आप ये क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये है, जहाँ पे क्या आपका ध्रुव लाइ कर रहा है, फोकस लाइ कर रहा है और आपका क्या वर्कता केंद्र लाइ कर रहा है। ठीक है, तो उसके समांतर कोई प्रकाश किरण आपका जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपके परावर्तन होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहाँ पे ये दिखेगा, अवतल दर्पण में। वही उत्तल दर्पण में प्रतीत होगा। मानो कि एक आपका रे जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये आपका रिफ्लेक्शन परावर्तन होने के बाद आपका ये प्रतीत होगा कि वो कहाँ से पास हो गुजर रही है, गुजरते हुए प्रतीत होगी, आपके ये फोकस से गुजरते हुए आपका ये एहसास होगा। अब चलते हैं आगे की ओर, दूसरा देखते हैं दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मीन्स कि आप क्या कहो कि अगर कोई भी रे प्रकाश की किरण कहाँ से फोकस से होकर गुजर रहा है तो वो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मानो कि आपका कोई रे फोकस पे क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, फोकस पे गिरा रहे, तो फोकस पे गिरने के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो आपका परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको जो याद करना है कि दर्पण के वर्कता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परिवर्तित होने के बाद उसी दिशा में आपस लौट जाता है। कि अगर कोई रे हम कहाँ से गिरा दिए, आपका वर्कता केंद्र से पास करवा दिए प्रकाश की किरण, तो अपरावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, वही डायरेक्शन में आपका आ जाता है, वही दिशा में आपका आपस लौट जाता है, वही जिस पास से गया वही पाथ में आपस आ जाता है। ये आपका कनकेव मिरर मतलब कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। अब आता है नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है वो आपका कि प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनती हुई आपस परिवर्तित हो जाती है। कि प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पे गिरा दिए, कहाँ पे, ध्रुव पे गिरा दिए, तो जितना एंगल आपका मुख्य अक्ष से बना रहा है, ठीक है, ये आपका उतना ही एंगल बनाते हुए, उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा, आपका परावर्तित हो जाती है, उतने ही कोण बनाते हुए वापस परिवर्तित कर जाती है। ये आपको याद रखना है। मीन्स कि यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, आपका परावर्तन का नियम लागू हुआ फर्स्ट,
कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएंगे, कोण आई बराबर कोण आर होगा। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अब हम लोग देखेंगे क्या कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, कि गोलीय दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है वो अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके द्वारा कैसे, अवतल दर्पण के द्वारा कैसे बिंब बनता है, तो आपको बिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम आपका दो किरण, प्रकाश की दो किरण की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले अगर वस्तु, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, जब मेरा वस्तु अगर पोल ध्रुव और फोकस के बीच में है तो उसका जो इमेज या प्रतिबिंब बनेगा वो आपका मिरर के पीछे, दर्पण अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, और आपका जो साइज होगा सर उसका, जो आपका उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, आपका बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और आपका जो इमेज का जो नेचर प्रकृति होगा, आपका प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होगा, ये आपका प्रकृति होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका विभासी, विभासी एम सीधा होगा। तो आप एक क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक आपका रे सेंटर से पास करवा रहे हैं, सेंटर ऑफ आपका वर्कता, ठीक है, केंद्र के वर्कता से, वर्कता के केंद्र से पास करवा रहा है। और दूसरा जो रे है आप वो क्या करो, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से एक आपका रे निकाल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि आपका केंद्र के तरफ से, केंद्र के वर्कता से, और वो क्या होगा, केंद्र के वर्कता से कोई रे जा रहा है तो क्या होगा, टकराने के बाद फिर वही रास्ते में आपस लौट आएगा। और एक आप क्या करवाओ कि ऑब्जेक्ट के माथा से, एक के माथा पर से, ठीक है, और वस्तु के माथा से क्या करो कि आप जो है समांतर रे ले लो, किसका किरण ले लो, किसका, आपका ये मुख्य अक्ष का, मुख्य अक्ष से जब आप पैरेलल ले लोगे, समांतर ले लोगे, क्या हो जाएगा, मिरर से आपका दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। आप देखो ये रे कहीं नहीं मिलेगा इधर, तो क्या होगा, इमेजिनरी आपको वर्चुअली काल्पनिक आपको क्या करना पड़ेगा, इसी लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। लाइन को जैसे एक्सटेंड करेंगे क्या बनेगा, आपका जहाँ पे पॉइंट मीट करेगा, दोनों किरण की बिंदु जहाँ मिलेगी वहीं से आपका क्या होगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा। तो प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा स्थिति टू, जब वस्तु फोकस पर स्थित है, जब वस्तु मेरा कहाँ फोकस पर रहेगा तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे का अनंत पे बनेगा। आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। आपका प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो कैसा हो जाएगा, आपका जो प्रकृति होगा वो आपका ये होगा वास्तविक एम क्या होगा, उल्टा होगा। और आपका जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका आपका बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे, फोकस पे मान लिया ऑब्जेक्ट है आपका, जो वस्तु है कहाँ पे है, फोकस पे है, तो एक आपका क्या बोले, पैरेलल आपका मुख्य अक्ष से पैरेलल रेज निकालेंगे, कहाँ से, उसके माथा पर से निकाले, देखो पैरेलल निकाले, पैरेलल निकालने के बाद वो कहाँ से, फोकस से पास हो जाएगा, आपका दर्पण में टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। दूसरा क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाए, मतलब कि केंद्र के वर्कता से, वर्कता के केंद्र से क्या करवाए, पास करवाए, तो टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, वहीं से आपका आपस लौट जाएगा। वो कहाँ, कहीं आपका रेज ये पीछे भी नहीं मिल रहा है, कहाँ, इसको जब मिलाएंगे तो लगेगा कि इन्फिनिटी में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, अनंत में मिल रहा है। तो इसका सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। साइज क्या हो जाएगा, आपका वस्तु से बड़ा हो जाएगा। और प्रकृति क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक और उल्टा होगा। अब तीसरा स्थिति जो है, जब वस्तु वर्कता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, जब वस्तु मेरा कहाँ फोकस और आपका वर्कता केंद्र के बीच में है तो आपका इमेज, आपका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में। तो क्या करना है, एक रे आपको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आपका मुख्य अक्ष के पैरेलल पास करवाना है, दूसरा आपका सेंटर, ठीक है, केंद्र से पास करवाना है। तो जब आप पैरेलल मुख्य अक्ष से समांतर लोगे तो टकराने के बाद कहाँ से आपस जाएगा, ठीक है, परावर्तन के बाद आपका फोकस से पास करेगा। दूसरा आपका जब केंद्र से पास करवा रहे हो कहाँ, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वही रास्ते में आपस लौट जाएगा। और ये आप देखो दोनों रे कहाँ मिल रहा है, आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका जो बनेगा वो कहाँ, सी केंद्र से पहले बनेगा, केंद्र से पहले आपका जो इमेज, जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कहाँ, केंद्र से पहले बनेगा, और उसके बाद आप उसका जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो आपका वस्तु से बड़ा होगा। और तीसरा, तीसरा जो है प्रकृति,
आपका ये प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। स्थिति फोर, स्थिति फोर में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, जब मेरा वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पे है, वक्रता केंद्र पे है, तो उसमें आपका आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखना है, प्रकृति क्या होगा वो देखना है, और साइज क्या होगा वो हमें देखना है। तो आपका जब ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ, वस्तु कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे आपका है ए बी, आप क्या होगा एक आपका समांतर रेखा पास करवाएंगे, कहाँ से पास करवाएंगे, ठीक है, जो आपका टकराने के बाद क्या फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करवाएगा, और दूसरा आप क्या करोगे एक रे आपका फोकस से पास करवाएंगे, तो और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किसका आपका मुखस का समांतर हो जाएगा। दो रे निकाले, दो रे कहाँ मिला आपका सेंटर ए वक्रता केंद्र पे ही मिला, वक्रता केंद्र पे मिला, तो मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे। साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा, वस्तु का साइज और आपका प्रतिबिंब का साइज दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। फिर उसके बाद तीसरा प्रकृति, प्रकृति प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा आपका, वास्तविक होगा, क्योंकि आपके वास्तविक रे से बन रहा है, वास्तविक किरण से बन रहा है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, आपका वस्तु से क्या उल्टा बन रहा है। स्थिति पाँच, स्थिति पाँच जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो आपका इमेज कहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मीन्स कि आपका सी, आपका ऑब्जेक्ट का वस्तु कहाँ हो, आपका वक्रता केंद्र से पहले हो, तो वक्रता केंद्र से पहले जब होगा तो मेरा इसका जो प्रतिबिंब, क्या दो रे निकालेंगे, एक आपका समांतर किसका होगा, मुख्य अक्ष का, और दूसरा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से पास करवाएंगे, तो आपका जो मीट करेगा ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिलेगा, दोनों रे कहाँ पे मिलेगा, आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं मिलेगा। तो आपका जो इमेज, आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सी एंड एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, और आपका इमेज जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वो क्या होगा, आपका वास्तविक और उल्टा होगा, और आपका ये साइज जो होगा वो आपका वस्तु से छोटा होगा। स्थिति सिक्स, स्थिति सिक्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, कहाँ पे हो, अनंत पे हो, अगर मेरा वस्तु अनंत पे है तो मेरा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा, सबसे छोटा होगा, और आप क्या कर सकते हैं, जो आपका इमेज बनेगा, इमेज का प्रकृति, ठीक है, प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक एंड क्या होगा, वास्तविक एंड उल्टा होंगे, ठीक है। दो रे क्या कर लो, पैरेलल ले लो, किसका मुख्य अक्ष का समांतर ले लो, दोनों कहाँ, फोकस पे मिल रहा है, तो फोकस पे इसका इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो आपको अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आप देख लिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट वस्तु रहेगा तो इमेज उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम सीख लिए। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, तो सेव कैच का आप देख लिए कि फिगर आप घर में क्या करना, ट्राई कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। आकृति जो आप बना रहे थे अभी, आपका अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था उसका फिगर आकृति आपको बना के प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है वो देख लेना है, फिर दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार मतलब कि साइज, फोकस और ध्रुव के बीच में, अगर मेरा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो मेरा इमेज जो प्रतिबिंब की स्थिति है कहाँ पे होता, दर्पण के पीछे था, दर्पण का बीच पीछे था, और आपका प्रतिबिंब जो बन रहा था वो सीधा आभासी बन रहा था, कैसा, आभासी और सीधा बन रहा था, और वस्तु जो प्रतिबिंब का आकार था वो क्या था, वस्तु से बड़ा था, वस्तु से बड़ा था, समझ आ गया। तो एक ही केस में, यहाँ पे एक ही स्थिति में आपका सीधा और आभासी प्रकृति प्रकृति का प्रतिबिंब मिलेगा, कब, जब आपका वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहे, बाकी हर केस में आपका वास्तविक और उल्टा होगा, प्रकृति का बिंब वास्तविक और उल्टा होगा। फोकस पर, जब वस्तु मेरा कहाँ पे है, फोकस पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब की आकृति प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तीसरा, मेरा वस्तु की स्थिति कहाँ पे, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, मतलब कि वक्रता केंद्र के पहले बनेगा,
ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, और आपका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। फोर्थ नंबर स्थिति फोर, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो आपका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। और आपका प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति आपका जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा, और आपका जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, वस्तु के बराबर होंगे। अब नेक्स्ट, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अगर वस्तु मेरा कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब कि आपका वक्रता केंद्र के पहले अगर वस्तु है तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। प्रकृति की बीम जो होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु की स्थिति अनंत पर, अनंत पर अगर मेरा वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा, क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा, क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। ये आपको समझ में आ गया, इस छवो स्थिति में आपको ये याद करना है कि वस्तु की यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग समानता टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अर्घ दीपों मतलब हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कि समांतर किरण पूजा पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, शक्तिशाली प्रकाश प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो आपका टॉर्च में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, वाहन के अग्नि दीपों में उसका यूज किया जाता है। अब आता है इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना है अपना, तो आपका सेविंग दर्पणों की तरह इसके यूज किया जाता है, अवतल दर्पण को। दूसरा, तीसरा जो यूज है इसका उपयोग, वो दंत विशेषज्ञ जो होता है, डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर, अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं उसको अवतल दर्पणों का उपयोग करके क्या, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यूज करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों होता है जहाँ पे सोलर भट्टी, ठीक है, सोलर फर्नेस होता है, वहाँ पे सूर्य को प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, ठीक है, किसका दर्पण यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जहाँ पे सोलर दर्पण का, सोलर भट्टी यूज किया जाता है, वहाँ पे सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आता है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो इसमें दो ही केस है कि एक आपका वस्तुबिंब अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है, और प्रतिबिंब का आकार कितना होता है, बहुत छोटा होता है, और प्रकृति कैसा होता है, आभासी और सीधी। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब, और आपका सरल दर्पण में, ठीक है, साधारण दर्पण में जो आपका सरल दर्पण, और आपका उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है, हमेशा आभासी एवं क्या होता है, सीधी होती है। तो आपका अगर वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है तो क्या करेगा, दो रे पैरेलल आपका किसका समांतर लेंगे, आपका मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से लेगा तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, लग रहा है कि वो कहाँ से निकल रहा है, आपके फोकस से निकल रहे हैं। तो ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ऐप पर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटा होगा, आपके वस्तु से बहुत छोटा होगा। प्रकृति कैसा होगा, आपका ये इमेजनरी मतलब कि काल्पनिक किरण से बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपके आभासी और सीधी होगी होंगे। दूसरा, वस्तु अगर मेरा कहाँ पे हो, पर्दन के दूर, तो अगर वस्तु क्या हो, वस्तु अगर मेरा पर्दन के ध्रुव, ध्रुव और आप मेरा अनंत के बीच में हो, ध्रुव और अनंत के बीच में हो, तो मेरा प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति जो होंगे वो आपके ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा, और प्रकृति जो होगा, आपका प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वो कैसा होगा, आभासी एवं सीधा होगा।
आभासी है, सीधा होगा। तो क्या करेंगे, एक रे आप क्या ले लोगे, समांतर ले लोगे किसका, ध्रुव आपका मुख अक्ष से, वो क्या होगा अपीयर लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है। जब वो आपका टकरा के वापस जाएगा तो लगेगा क्या, फोकस से निकल रहा है। दूसरा आप क्या करोगे, ध्रुव पे गिराओगे तो जितना एंगल आपका कोण आपका मुख अक्ष से बनाएगा उतना ही टकराने के बाद वो बनाते हुए क्या होगा निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये दोनों को जब इमेजिनरी मैच करवाएंगे तो बिहाइंड द मिरर मीन्स कि मिरर के पीछे, ठीक है, बनेगा मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे दोनों मिलेगा, जहाँ पे बिंदु दोनों रे जहाँ पे काल्पनिक मिलेगा वहीं पे आपका क्या होगा प्रतिबिंब बनेंगे। समझ में आ गया, ये दोनों फिगर आपको ट्राई कर लेना है। तो आप कौन दर्पण में तीनों तरह का इमेज पाते हो, तीनों तरह के तीनों आकृति का, वो आपका अवतल दर्पण है। कौन उत्तर दर्पण में आप आभासी और सीधी, सिर्फ आभासी और सीधी आप प्रतिबिंब का प्रकृति पाते हो तो क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण और साधारण दर्पण। अब आता है नागे, आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखना। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण और साधारण दर्पण में केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप प्रतिबिंब हमेशा सीधा एम वस्तु से बहुत छोटा बनता है, और अगर उत्तल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और वस्तु से क्या बहुत छोटा बनता है। लेकिन साधारण दर्पण में, साधारण दर्पण में या सरल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब का बनता है वो सीधा बनता है और आपका बराबर के और वस्तु के बराबर के बनता है। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरसाइकिल, ट्रक, बस इत्यादि के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर आपका, साइड मिरर हो गया साइड ऐनक या दर्पण की तरह, आपका बस ट्रक और मोटरसाइकिल में आपका उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया ज़्यादा क्षेत्रफल को क्या करता है कवर करता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है दूसरा, सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। सड़क या गली के स्ट्रीट लाइट के, स्ट्रीट लाइट है के परावर्तक के रूप में किया जाता है। अब आता है, आगे चलते हैं, अब आता है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चीन परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन हम देखेंगे, चीन परिपाटी देखेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चीन परिपाटी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ध्रुव है पी, ये आपका फोकस है, ये आपका क्या है वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है मिरर एम एन, ये आपका क्या है दर्पण है। दर्पण कौन दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो दोनों का साइन कन्वेंशन एक ही लेते हैं, चीन परिपाटी एक ही तरह लेते हैं। अगर आप बाएं तरफ, ठीक है, ध्रुव के बाएं तरफ हो तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे। अगर ध्रुव के राइट साइड में जा रहे हैं, ठीक है, दाहिनी ओर, तो क्या लेंगे आप, ए लोगे धनात्मक लोगे प्लस लोगे, और यही ध्रुव के अगर आप ऊपर ओर जा रहे हो तो क्या लेंगे प्लस लेंगे मीन्स कि धनात्मक लेंगे, और यही ध्रुव के नीचे अगर हम जा रहे हैं तो क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, मतलब कि यहाँ पे ऋणात्मक लेंगे। ये आपको समझ आ गया, तो फोकस दूरी किधर जा रहे हैं आप, ए किरण रे के अपोजिट जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो आप ध्रुव के उल्टा जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट आपका ए जो होगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किससे डिनोट करते हैं यू से, यू क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अगर आपका मिरर के पीछे बन रहा है तो ये वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, अगर सीधा बन रहा है, अगर आपका इमेज डिस्टेंस या इसे बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वो भी से डिनोट करते हैं, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर सीधा रहा, सीधा बना इमेज तो क्या हो जाएगा आभासी और सीधा बना तो नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर आपका क्या बना उल्टा, उल्टा और आपका क्या बना उल्टा, उल्टा और वास्तविक बना तो क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। समझ आ गया, समझ आ गया, आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका आकार, ठीक है, वास्तु का आकार क्या लेंगे एच नोट, अगर ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव और नीचे की ओर है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ए आपका ऋणात्मक भाग है, ए आपका धनात्मक भाग है। ठीक, तो आपका फोकल दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी जो आपका होता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का वो क्या होता है आपका माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, और वही आपका फोकस दूरी किसका उत्तल दर्पण का,
उत्तल दर्पण का क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। तो इस चिन्ह प्रपट्टिक के अनुसार आप देखो, इस चिन्ह प्रपट्टिक के अनुसार देखते हैं कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। क्या बोले, ध्रुव कैसे अभी देख रहे थे ना, ध्रुव से देख रहे थे, तो इसको मूल बिंदु मानते हैं। अर्थात दर्पण की सभी दूरियां मूल बिंदु P से ही मापी जाती, कि दर्पण की सभी दूरियां आपका हो गया वस्तु, क्या वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी, ठीक है आपका, ठीक। तो ये सब सारा कहाँ से, मूल बिंदु कहाँ मानते हैं, आपको ध्रुव को ही मूल बिंदु मानते हैं। अब आता है निदासंक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष, मुख्य अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्स डैश लिया जाता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बिंब जो है, बिंब ठीक है आपका वस्तु, वस्तु जो है हमेशा कहाँ, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मीन्स कि इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका दर्पण पर बीम से प्रकाश किधर, बाईं ओर से आपतित होता है, बाईं से किधर जाता है, दाईं ओर जाता है, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई। मूल बिंदु के, मूल बिंदु क्या है आपका, ध्रुव है। मूल बिंदु के दाईं ओर अगर जा रहे हैं, ये दाईं ओर जा रहे हैं मूल बिंदु के, तो क्या लेंगे, मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक मानी जाती है, मतलब कि पॉजिटिव माना जाता है, प्लस साइन के साथ लेते हैं। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, अगर मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई तो दूरियां क्या लेंगे, ऋणात्मक मानी जाती है। दर्पण के सामने के भाग की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण के सामने, दर्पण जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, परावर्तक पृष्ठ, उसके सामने वाले जितना भी दूरी होगा सब ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण के पीछे की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती, और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां क्या लेंगे, धनात्मक ली जाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और वही अगर ध्रुव के ऊपर ओर मापी गई दूरियां क्या लेंगे, धनात्मक, और ध्रुव के नीचे ओर मापी गई दूरियां क्या लेंगे, नेगेटिव ऋणात्मक लेंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है ये याद रखना है, वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है, वस्तु की दूरी u क्या लेंगे, ऋणात्मक ली जाती है, माइनस u लेंगे। फोकस दूरी f क्या लेंगे, ऋणात्मक माइनस f लेंगे, ऋणात्मक माइनस ली जाती है। प्रतिबिंब की दूरी माइनस b ऋणात्मक ली जाती है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता हो तब। पॉजिटिव का लेंगे, पॉजिटिव तब लेंगे, धनात्मक तब लेंगे जब यदि प्रतिबिंब क्या हो, मेरा आभासी और सीधा बनता हो तब लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वे सभी दूरियां जो दर्पण के सामने होती है एवं जो पीछे होती है, वस्तु की दूरी हमेशा, दोनों अवतल दर्पण हो या आपका उत्तल दर्पण हो, हमेशा क्या लेंगे, ऋणात्मक ली जाती है। वैसे वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है, इसलिए यू सदैव ऋणात्मक ही होता है, ठीक है, कि वस्तु हमेशा क्या, दर्पण के सामने रखा जाता है, इसलिए यू हमेशा क्या, ऋणात्मक ही होता है। फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी क्या, एफ, इसमें आपका क्या होता है, मिरर के पीछे होता है, फोकस जो होता है मिरर के पीछे होता है उत्तल दर्पण में, इसलिए एफ आपका धनात्मक लिया जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता पीछे की ओर होती है, इसलिए फोकस दूरी भी दर्पण के पीछे होता है, ठीक है, इसलिए एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक ली जाती है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता हो तो ऋणात्मक, और आभासी एवं सीधा हो तो धनात्मक ली जाती है। तो कहाँ बन रहा है आपका, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब, और क्या बन रहा है, आभासी एवं सीधा बन रहा है, इसलिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमेशा धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होंगे। उत्तल दर्पण में ने सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सदैव क्या, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, और क्या बनता है, मिरर के पीछे बनता है, क्या बनता है, मिरर के पीछे बनता है। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र और आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन, और दर्पण सूत्र को कहते हैं मिरर्स फार्मूला, क्या कहते हैं, मिरर्स फार्मूला। अब आता है बीम या वस्तु की दूरी,
गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी वस्तु या इसके ध्रुव के बीच की दूरी को बीम दूरी कहते हैं, इसे यू से दर्शाते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी या बीम किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने रखी वस्तु तथा इसके ध्रुव के बीच की दूरी को बीम दूरी कहते हैं, इसे किससे यू दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव और बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और आपका प्रतिबिंब के बीच बनी की दूरी को, जहाँ पे प्रतिबिंब बना उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। उसे भी से दर्शाते हैं, किसे? भी से दर्शाते हैं। अब आता है फोकस दूरी, एफ। फोकस दूरी क्या है? एफ है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसको कहते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या? एफ से दर्शाते हैं, इसे एफ से निश्चित करते हैं। दर्पण सूत्र प्रतिबिंब की दूरी का व्यक्रतम और बिंब की दूरी का व्यक्रतम का योग फोकस दूरी एफ के व्यक्रतम के बराबर होता है। कि आप क्या करो, वी को 1/v लिख दो और आपका बीम की दूरी को 1/u लिख दो और आप क्या फोकस की दूरी को क्या लिखो? 1/f लिखो। आप क्या करो, 1/v + 1/u ये जो आपके होंगे किसके बराबर होंगे? आपके 1/f के बराबर होंगे, फोकस दूरी के बराबर होगा। ये फार्मूला आपको क्या करना है, अब याद रखना। क्या कि 1/f 1/ फोकस दूरी इज इक्वल टू या बराबर आपका 1/ आपका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/1 आपके हो जाएंगे प्रति ए वस्तु की दूरी। ये आपको फार्मूला याद रखना है, समझ आ गया। अब आता है आवर्धन, आवर्धन मैग्नीफिकेशन। आप क्या आता है? आवर्धन मैग्नीफिकेशन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही प्रतिबिंब का क्या? आवर्धन कहलाता है। कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा या कितना छोटा है, वह यही प्रतिबिंब का क्या है? आवर्धन है। तो आवर्धन को कैसे डिनोट करते हैं? किसी आप फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय आपका वस्तु की ऊंचाई या बीम की ऊंचाई, क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन या आवर्धन को किसे आप दर्शाते हो? एम से दर्शाते हैं, छोटा एम से। एम बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बीम की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किसे हम डिनोट करते हैं? h i बाय क्या हो जाएगा आपका? बीम की ऊंचाई h0। तो आप यहां से कर सकते हो क्या, m बराबर h i बाय h0 इज इक्वल टू माइनस v/u। v क्या है आपका? v आपका है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है आपका? आपका क्या है? वस्तु की दूरी। h यहां पे h i कर देते हैं हम, h i से डिनोट करवाते हैं और a h0 हो जाएगा। ठीक है, तो h i आपका क्या है? आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h0 क्या है? बीम की ऊंचाई है। तो आप ये फार्मूला अब याद रखना, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय प्रतिबिंब की ऊंचाई या बोल सकते हैं माइनस क्या बोल सकते हैं? माइनस प्रतिबिंब की दूरी बाय क्या बोल सकते हैं? वस्तु की दूरी। समझ आ गया, आवर्धन के लिए वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। आवर्धन के लिए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम, ठीक है आप, ठीक, तो अगर आप आवर्धन के लिए क्या लोगे, वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या लोगे? धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बीम हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर और सीधा रखा जाता है। क्योंकि जो बीम है हमेशा मुख्य अक्ष से क्या ऊपर और सीधा रखा जाता है, इसलिए आवर्धन में अगर वस्तु की ऊंचाई क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, अब आता है आगे क्या आता है? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। अगर आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी एवं सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस लिया जाएगा। अगर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए वस्तु की ऊंचाई, ठीक है वस्तु नहीं होगा यहाँ पे, प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। अगर आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे, धनात्मक लेंगे। और अगर वही प्रतिबिंब क्या हो, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, माइनस लेंगे। समझ आ गया, आवर्धन का मान
आवर्धन के मान में धनात्मक मान बताता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अगर आवर्धन के मान धनात्मक आ गया मतलब प्लस आ गया, एम मेरा क्या आ गया प्लस आ गया, तो मतलब कि प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा है। ऋणात्मक मान बताता है अगर आवर्धन का मान क्या गया ऋणात्मक माइनस आ गया, माइनस के साथ वैल्यू आ गया, ठीक है मान आ गया, तो प्रतिबिंब जो बताता है वो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है वास्तविक और उल्टा है। मीन्स कि अगर एम आपका पॉजिटिव आ गया प्लस आ गया तो मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो आभासी एवं सीधा है, और अगर एम का वैल्यू क्या नेगेटिव आ गया माइनस आ गया तो यहाँ से प्रतिबिंब जो बताओगे प्रतिबिंब की आकृति वो वास्तविक और क्या है उल्टा है। अब आता है आगे, आगे आता है नोट। अगर नोट क्या है, नोट में देखते हैं कि नोट देखना कि एम अगर मेरा क्या आवर्धन, आवर्धन क्या ग्रेटर देन वन है मतलब कि एक से बड़ा है, आवर्धन एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब आवर्धित है मतलब कि आपका मैग्नीफाइड है, आवर्धित है मतलब कि मैग्नीफाइड है, ठीक है बड़ा है। मीन्स की वस्तु आप क्या कह सकते हो कि आकार किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार, आपका प्रतिबिंब किसे बीम के आकार से बड़ा है एम ग्रेटर देन वन है। तो अगर एम बराबर एक है, अगर आपका आवर्धन बराबर एक है तो प्रतिबिंब और वस्तु के समान क्या है आकार, आकार का है वस्तु, प्रतिबिंब और वस्तु के समान आकार का है। मीन्स की दोनों आकार क्या हो जाएगा आकार, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होंगे एम बराबर वन है तो। तीसरा अगर m एक से छोटा है, अगर आवर्धन मेरा एक से छोटा है तो प्रतिबिंब और वस्तु की तुलना में छोटा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में क्या है छोटा है, समझ आ गया। तो ये तीनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। m अगर एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब जो है वो आपका क्या वस्तु से बड़ा है, और m इक्वल टू m बराबर वह एक है तो प्रतिबिंब का आकार और आपका वस्तु का आकार क्या है बराबर है। और अगर m एक से छोटा है, ठीक है आवर्धन एक से छोटा है तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तुलना में क्या है छोटा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार में क्या है छोटा है, समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है प्रकाश का अपरिवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे प्रकाश का अपरिवर्तन। तो प्रकाश का अपरिवर्तन क्या बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपरिवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपरिवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है जैसे शीशा, वायु, जल आदि। मानो कि यहाँ पर आपका माध्यम एक पहला माध्यम है और यहाँ पर माध्यम टू है, माध्यम दूसरा माध्यम है। जब कोई रे आपका प्रकाश की किरण यहाँ से पास होता है तो क्या होता है उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है उसका मार्ग क्या हो जाता है विचलित हो जाता है, उसका मार्ग क्या हो जाता है विचलित हो जाता है। इसका मार्ग विचलित हो जाना क्या कहलाता है प्रकाश का अपरिवर्तन, अपरिवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण क्या करती जाती है तो उसका मार्ग क्या हो जाता है प्रकाश की किरण का मार्ग विचलित हो जाती है, तो वही मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है अपरिवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपरिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए पारदर्शी पदार्थों से, ठीक है आप पारदर्शी पदार्थों से ही होता है, उसके लिए पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए जिसका रे एक रे दूसरे ओर की क्या हो जाए निकल जाए, जैसे शीशा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया आदि। प्रकाश के अपरिवर्तन का कारण, प्रकाश का अपरिवर्तन का मेन कारण क्या है, ठीक है मुख्य कारण क्या है। अपरिवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। क्या जो आपके प्रकाश का अपरिवर्तन का कारण मुख्य कारण जो है क्या, जब आपका एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, अपरिवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर क्या होता है प्रकाश की जो चाल है में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल जो है मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या करता है चेंज कर जाता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो जाने के, तो उसी के कारण आपका जो होता है प्रकाश का अपरिवर्तन होता है। अब आता है प्रकाश का अपरिवर्तन का नियम, आप देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपरिवर्तन के नियम दो हैं, कितने नियम हैं दो नियम हैं आप ये, ठीक है
तो यहाँ पे आप देखते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, अपरवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण फॉर एग्जांपल यहाँ से हम समझते हैं, हम यहाँ से समझते हैं, मानो कि एक आपका क्या है, आपका ए दो ए माध्यम, एक माध्यम वन ए हो गया, ए माध्यम टू हो गया। अब कोई रे यहाँ से क्या हुआ, किरण यहाँ से गिरा, इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब क्या हो गया, आपतित किरण ए जहाँ पे आपका किरण गिरा उस बिंदु को क्या बोलते हैं, वो आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु से क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते, क्या अभिलंब ड्रॉ करते, क्या अभिलंब ड्रॉ करते, इसको किसे एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आए वहाँ पे अपरिवर्तित किरण बनता है, उसके बाद वो क्या अपरिवर्तित किरण बनता है। तो ये तीनों क्या आपके एक ही तल में होते हैं, ये तीनों क्या एक ही तल में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं अपरिवर्तित को किरण, और इसको बोल क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। तीनों जो होता है एक ही प्लेन में, एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो है आपका, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण की जया, जया बोले तो साइन, तथा आपतन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल्स का अपरिवर्तन नियम भी कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी, तिरछी मतलब कि तिरछा गिरता है, तो आपतन कोण, ये क्या है, नॉर्मल अभिलंब और आपका आपतित कोण किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, आप बोलोगे आपतन कोण। ठीक है, अपरिवर्तन, अपरिवर्तन कोण किसको बोलेंगे, आपके एन और आपके क्या बोलेंगे, अपरिवर्तित कोण किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिवर्तन कोण बोलते हैं, इसके आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, साइन आई बाय साइन आर, जो दोनों का रेशियो अनुपात होता है, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर क्या कहते हैं इसको, नियंतक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, नियंतक होता है। साइन आई बाय साइन आर इज को बराबर क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, नियंतक बोलते हैं। समझ में आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स का अपरिवर्तन नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल्स लॉ, स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब आता है स्नेल्स का अपरिवर्तन का नियम, आप क्या आता है, स्नेल्स का, स्नेल का अपरिवर्तन का नियम क्या बोलता है ये, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, जब अगर आप कोई रे अगर तिरछा गिराए, अगर परपेंडिकुलर गिराती हो, उसके लंब गिरा देते हो, माध्यम के लंब गिरा देते हो, क्या होगा, ये वहाँ पर कोई आपका अपरिवर्तन नहीं दिखेगा, कोई अपरिवर्तन नहीं दिखेगा, आप जैसे रे आया वैसी तरह पास हो जाएगा। तो वहाँ पे इसलिए आपको क्या, किरण को तिरछा गिराना पड़ेगा, कैसे गिराना पड़ेगा, तिरछा, तिरछित करना, तिरछा गिराना पड़ेगा। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर, दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण की साइन तथा अपरिवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल का अपरिवर्तन नियम भी कहते हैं। मीन्स कि साइन आई बाय साइन आर का जो अनुपात होता है, साइन आई बाय साइन आर, ये क्या होता है, स्थिरांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, क्या होता है, स्थिरांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स का अपरिवर्तन का नियम कहते हैं। इस स्थिरांक मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपरिवर्तनांक कहते हैं। तो इस स्थिरांक मान को क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपरिवर्तनांक कहते हैं, इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपरिवर्तनांक कहलाता है। समझ में आ गया। अब आता है आगे, आगे आता है अपरिवर्तनांक, अपरिवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसको किसे डिनोट करते हैं, म्यू, या आप एन से कर सकते हो। ठीक है, इसको दर्शाते किसे, म्यू या एन से। किसी माध्यम का अपरिवर्तनांक वह संख्या है जो बताती कि उस माध्यम प्रकाश की साल किस अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है।
तो अपवर्तक क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तक वह संख्या है जो बताती है, जो ए हमें बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किस अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने कम या अधिक है, वो गुण बताता है। कितने गुना कम या अधिक है वो आपका कौन बताता है? अपवर्तक बताता है। समझ में आ गया? अपवर्तक क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम प्रकाश की चाल किस अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। मीन्स की अपवर्तक वह संख्या है, किसी माध्यम का अपवर्तक वह संख्या है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी माध्यम से कंपेयर कर रहा है कि कितना गुना कम है या ज़्यादा है। या दो प्रकार का होता है अपवर्तक, दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तक, उसको जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो निरपेक्ष अपवर्तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है, जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है, ठीक है, माध्यम में गति करता है, तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तक अज्ञात करते हैं, जिसे निरपेक्ष अपवर्तक कहते हैं। अतः वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तक निरपेक्ष क्या है? निरपेक्ष अपवर्तक कहलाता है। वायु एक आपका मीडियम माध्यम हो गया, वायु या वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, तो उसके माध्यम से अगर कोई माध्यम के वह हम क्या अपवर्तक निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तक बोलते हैं। समझा गया। जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति करती है तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का क्या करते हैं? अपवर्तक ज्ञात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तक कहते हैं। मतलब कि आप रेफरेंस किसको ले लिए हो? वायु के माध्यम को। वायु के माध्यम के प्रकाश जो है, प्रकाश का जो वायु का विवेग है, उसको आप क्या ले लिए हो? रेफरेंस ले लिए हो। उसके बाद आप क्या दूसरे माध्यम के आप क्या कर रहे हो? ये अपवर्तक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तक एन बराबर या म्यू बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देखिएगा, क्या हो जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तक एन या म्यू, यही आप डिनोट करते हो ना, प्रकाश का वायु में वेग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तक किसी माध्यम का निकालना है तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग, प्रकाश का वायु के वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग वायु में, और आपका बाय आपका हो जाएगा प्रकाश का वेग ये कहाँ पे? माध्यम में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो क्या? म्यूज इक्वल टू सी बाई भी, सी बाई भी आपका जो लाइट प्रकाश का वायु वेग में होता है, क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। एग्जाम्पल पानी का अपवर्तक निकालना है तो प्रकाश का वायु में वेग, प्रकाश का वायु में वेग बाय प्रकाश का पानी में वेग, तो आपका क्या हो जाता है? अपवर्तक निकालना है तो आपके जो होते हैं क्या होते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, कहाँ पे? आपका वेग वायु में प्रकाश का वेग, और आपका जो पानी में प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप दोनों को सॉल्व करोगे तो ठीक है, डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा आपका? 1.33 1.33 आपका पानी का अपवर्तक निकल जाएगा। तो अब अपवर्तक कोई भी ग्लास का निकालना हो तो प्रकाश का वायु में वेग क्या है वो लिख दो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय, आप देख लो ग्लास का, शीशा का क्या है प्रकाश का वेग, वो आप लिख दो, और दोनों को क्या करो? डिवाइड कर दो, जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उस माध्यम का अपवर्तक निकल जाएगा। तो आप समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे तक किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तक को प्राय अपवर्तक कहते हैं। तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तक को क्या बोलते हैं? प्राय अपवर्तक कहते हैं। इसको सिंपली क्या? अपवर्तक भी कह सकते हैं। अब आता है क्या? सापेक्ष अपवर्तक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो पहले माध्यम के छापेश दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक छापेश अपवर्तनांक कहलाता है। जब मतलब कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती है, गमन करती है, प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम के छापेश दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक छापेश अपवर्तनांक कहलाती है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, माना पहले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, V1 है। पहले माध्यम में मान लेते कि जो प्रकाश का वेग है क्या है, V1 है। दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, V2 है। तो अतः छापेश अपवर्तनांक क्या निकालते रहे हैं, आप निकाल रहे हो अपवर्तनांक माध्यम टू विथ रिस्पेक्ट टू माध्यम वन। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, माध्यम टू का माध्यम वन के छापेश अपवर्तनांक, माध्यम टू का माध्यम वन के छापेश किसके रिलेटिव, माध्यम वन के। क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग V1 बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग V2। जिस माध्यम का निकालना रहेगा उस माध्यम का जो प्रकाश का वेग होगा वो क्या लेंगे, नीचे लेंगे, और जिसका रिस्पेक्ट में निकालना रहेगा उसका क्या लेंगे, ऊपर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा N21 या μ21। क्या हो जाएगा आपका, μ21। ठीक, इसका क्या, माध्यम टू का माध्यम वन के छापेश अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बाय दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। दूसरा अगर आपको निकालना है क्या अपवर्तनांक छापेश अपवर्तनांक माध्यम वन का माध्यम टू के छापेश अपवर्तनांक, तो क्या बोलेंगे, माध्यम वन का है ना, पहले माध्यम वन का निकालना है, तो माध्यम वन का जो आपका क्या हो जाए, प्रकाश का जो वेग होगा वो नीचे लेंगे, डिनोमिनेटर मतलब कि हर में लेंगे, और अंश में क्या लेंगे, अंश में आप क्या लोगे, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग मतलब V2 लोगे, V2 लोगे। समझ आ गया। अब आता है सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको बोलते हैं, डेंसर मीडियम, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। सघन माध्यम किसको बोलेंगे, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। मीन्स कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और या बोल सकते हैं जिसका ठीक है, प्रकाश का वेग कम होगा या अपवर्तनांक अधिक होता है उसे क्या बोलेंगे, सघन माध्यम कहते हैं। इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं। इस माध्यम का जो कण होता है, एटम्स या मोलिक्यूल्स, वो क्या होता है, अधिक घने होते हैं, डेंस होते हैं। अब आता है विरल माध्यम, रेरर मीडियम। आपको रेरर मीडियम किसको बोलते हैं, या आप विरल माध्यम किसको बोलेंगे, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा जिस माध्यम का, उसे हम क्या बोलेंगे, विरल माध्यम कहते हैं। इन माध्यम के कणों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। इन माध्यम के कणों का जो घनत्व होता है आपका क्या होता है, कम होता है। अब आता है नेक्स्ट, अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग। अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम विरल से दूसरे माध्यम सघन में जाती है, विरल मतलब रेरर मीडियम जिसका अपवर्तनांक कम हो, दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो, ठीक है, सघन में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। एक इधर मुड़ता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। मीन्स कि अगर ये इंसिडेंट रे आपतित कौन है, ये अपवर्तनांक कौन है, अपवर्तन आपका किरण है, ये आपतित किरण है और ये आपका अपवर्तन किरण है। तो अगर मेरा विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण आपका क्या, प्रकाश की किरण आपका जा रही है, तो आपका जो रे होगा, किरण जो होगा वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। मीन्स कि देखो ये रास्ते, अगर यहाँ पर कोई माध्यम चेंज नहीं होता आपका, ठीक है, चेंज नहीं होता, बदलाव नहीं होता, तो क्या ये आपका रे इस तरह जाता। लेकिन क्या, जैसे आप विरल माध्यम मीन्स कि कम अपवर्तक से ज़्यादा अपवर्तनांक तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या हो रहा है, उसमें आपका लैट बेंड कर जा रहा है, लैट मुड़ जा रहा है किधर, आपका प्रकाश मुड़ जा रहा है, किधर मुड़ जा रहा है, अभिलंब की तरफ। दूसरे ओर ये जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। जब यही किरण आपका विरल माध्यम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे क्या होगा, सघन माध्यम यहाँ पे क्या होगा, विरल माध्यम।
जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, रे मेरा क्या, ये आपतित किरण है, ये मेरा क्या है, आपका अपवर्तन किरण है, यही है ना। तो यहाँ से आपका जो है यहाँ पे ये आपका रे किरण इस तरह आता, लेकिन जैसे माध्यम आपका बदलाव किया क्या हो जाएगा, ए आपका कहाँ से कहाँ, सघन से विरल में जा रहा है तो क्या करेगा, आपका अभिलंब से दूर दूर भागता है, जो किरण है प्रकाश की किरण, वो क्या दूर भागता है, देखो यहाँ पे दूर जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि विरल से सघन गया तो किधर, आपके अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, और यही अगर आपका सघन से विरल की तरफ गया तो अभिलंब से किरण दूर जाएगा, समझ आ गया। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर चलता है तो वह अपवर्तन के पश्चात पश्चात अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, अभिलंब से क्या दूर चला जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे देखो यहाँ पे एक आपका ये क्या है, ग्लास स्लेब है, ठीक है, ग्लास ग्लास है, ठीक, ये शीशा का सघन माध्यम कांच है, ठीक, वहाँ पे दो बार आपका क्या हो रहा है, ये दो बार लाइट आपका मुड़ रहा है, आपका प्रकाश का किरण। तो एक बार आपका प्रकाश की किरण आपका एक बार पहला माध्यम कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका विरल माध्यम वायु से कांच में जा रहा है, फिर दूसरा बार में कांच से कहाँ जा रहा है, विरल माध्यम वायु जा रहा है। तो पहला अगर आपका लाइट जो प्रकाश की किरण आपका क्या तिरछा जा रहा है, तिरछा जाने के बाद क्या आपतित किरण आपके क्या हो जाएंगे, आपतित किरण कहाँ से कहाँ, विरल से अगर सघन में जा रहा है तो ये क्या टूवर्ड आपके किधर, अभिलंब के तरफ आपका ये जो किरण है वो मुड़ेगा, क्या आपका ये मुड़ गया यहाँ तक आ गया, फिर आपका IR फिर क्या हो जाएगा, आपके आपके जो होंगे जब आपका सघन से विरल की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आपके जो अभिलंब से दूर किरण जाएगा, दूर मुड़ेगा, तो ये दूर, तो आपका कुछ स्ट्रक्चर ये आपका इस तरह बनेगा, समझ आ गया। अब आता है क्या सघन माध्यम, सघन माध्यम किसे कहते हैं, डेंसर मीडियम, वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कण क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ये भी बताएं, सघन माध्यम और विरल माध्यम हम बता चुके हैं। तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे क्या बोलते हैं, विरल माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कणों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब आता है आगे, किसी माध्यम का सघन और विरल दो होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, कि किसी माध्यम का सघन और विरल होता है तो ये दो माध्यमों के बीच क्या हो रहा है, तुलनात्मक अध्ययन है, ये हम क्या तुलना कर रहे हैं दोनों को। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक सघन और कौन सा कम सघन है, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, दो माध्यम का सघन और विरल बता रहे हो, तो दो माध्यम को क्या कर रहे हो, तुलना कर रहे हो कि एक दूसरे से ज़्यादा किसका आपका जो अपवर्तनांक है किसका ज़्यादा है, ये आप कंपेयर करते हैं, समझ आ गया। अब आता है प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली परिघटनाएं, आपके अपवर्तन से होने वाली घटनाएं आप देखते होंगे कि कांच के ग्लास में अगर आप पेंसिल रख दिए हो पानी भरा हुआ, क्या लगता है कि वो मुड़ी हुई पेंसिल है, टूटा हुआ पेंसिल है, क्यों लग रहा है, ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण लग रहा है, ठीक है। अब आता है शीशे के गिलास में रखा सिक्का उठा हुआ नज़र आता, क्यों आता है, अगर आप एक ग्लास में क्या कर दिए, सिक्का रख दिए हो और उसमें पानी भर दिए हो, क्या भर दिए हो, पानी भर दिए हो, तो अगर आप देख रहे हो आप एक शीशा के गिलास में सिक्का को देख रहे हो तो क्या लगेगा कि उठा हुआ है, उठा हुआ लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, आपके अपवर्तन के कारण ये आपका शीशा क्या लगता है, सिक्का जो है उठा हुआ लगता है। अब आगे आता है क्या, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दो पृष्ठों जिसका से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम क्या हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, तो उसे हम लेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंस का उदाहरण, ठीक है, उत्तल लेंस, उसे क्या कहते हैं, उनियो उत्तल भी कहते हैं। दोनों सरफेस इसका क्या है, दोनों पृष्ठ जो है क्या है, उसका गोलीय है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं।
एक प्लेन है इसका, एक साधारण है, सीधा है, और एक क्या है, गोलीय, तो उसे बोलते क्या बोलते हैं, समतलो उत्तल कहते हैं। और अगर एक आपका देखो ये आपका क्या है, एक आपका कनकेव है दोनों, तो ये आपका क्या अवतल है, तो इसे क्या बोलते हैं अवतल उत्तोल। एक आपका क्या उत्तल है, ठीक है, एक फेस उसका बाहर है, एक तरफ आपका कनकेव है, इसको क्या बोलते हैं अवतल। तो आपको यहाँ पे उन्यतल, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस इस प्रकार के होते हैं। आपको ये अवतल लेंस याद रखना है कि दोनों इसका क्या होगा, अवतल लेंस इस तरह के होंगे और उत्तल लेंस जो होंगे इस तरह के होंगे। समझ आ गया, उसको उत्तल व तल कहते हैं और इसको उन्योतल कहते हैं। समझ आ गया, उत्तल लेंस इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस और आपका अवतल लेंस को कनकेव लेंस बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, वाल लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार का इधर हो, बाहरी की ओर, जिसका उभार दोनों बाहरी की ओर होगा उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, मतलब कि यह आप क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इस लेंस को अभिसारी भी की लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, सबको क्या करता है, मोड़ के एक बिंदु पे मिला देता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारित लेंस भी कहते हैं। आप छू के बता सकते हो लेंस को, आप पहचान सकते हो कि उत्तल है कि अवतल। उत्तल में किनारे किनारे जब देखोगे तो ये क्या लगेगा, पतला, और बीच में क्या लगेगा, मोटा लगेगा। और उत्तल अवतल लेंस में, अगर अवतल लेंस में अगर आप देखते हो तो बीच में पतला लगेगा और किनारे किनारे क्या लगेगा, मोटा लगेगा। बीच में अगर पतला और किनारे किनारे मोटा लग रहा है तो उसे अवतल लेंस कहेंगे, और अगर बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला लग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर आप क्या होता है यहाँ पे, ये आपका क्या होता है, ऑप्टिक सेंटर, ये ऑप्टिक केंद्र होता, ये आपका फोकस होता है, इसमें दो फोकसी होते हैं, दो फोकस होते हैं और दो आपका वर्कता केंद्र होता है, ठीक है, लेंस में, लेंस में। तो इसको F1 बोलते हैं, इसको 2F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, इसको 2F2 बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक केंद्र बोलते हैं। जब आपका ये आप इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, जब मुख्य अक्ष से समांतर रे पास करवाते हैं, समांतर किरण पास करवाते हैं, तो कहाँ से, फोकस, दूसरे फोकस के क्या होता है, वहाँ से पास कर जाता है। अब आता है अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या है, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वर्कित हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। जिसके, ठीक है, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ किधर हो, अंदर की ओर वर्कित हो, तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को क्या करता, अपसारित कर देता है, मतलब कि डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसे हम अपसारित लेंस भी कहते हैं। जब ये इसमें क्या होता है, एक ऑप्टिक केंद्र होता, एक आपका फोकस होता, दो फोकस होते हैं, एक आपका राइट साइड, एक आपका लेफ्ट साइड, ठीक है, दो आपका वर्कता केंद्र 2F1 भी होता है। जब आप ये मुख्य अक्ष से क्या करवाते, किरण को पास करवाते हैं समांतर, तो आपका क्या होता है, ये डाइवर्ज करता है, अपसरित कर देता है, अपसरित लगता है कि वो कहाँ से आ रहा है रे, अपसरित होने के बाद फोकस से, ऐसा लगता है फोकस से वो किरण आ रहा है। समझ आ गया, अब आता है आगे, अब आता है गोलीय लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण पद, गोलीय लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण पद। तो इसमें आपका होता है, ये आपको जो बोल रहे थे क्या, ऑप्टिक केंद्र, उसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। इसमें F होता है, O से F2 के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। और आपका O से C1 या 2F1 है, उसको क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। और आपका जो ये आपका जो लाइन है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, किसका, उत्तल लेंस का। अब आता है क्या, अवतल लेंस का, अवतल लेंस आपका क्या, इस तरह के लेंस होंगे जिसमें आपका R होगा, O से C1 का मेजर जब करोगे तो A आपका त्रिज्या कहलाएगा, आप O से F2 जब मेजर करोगे ये फोकस दूरी है, ये आपका O जो है वो क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। सब कहाँ से मेजर करेंगे, लेंस के सेंटर से, केंद्र से, लेंस के केंद्र से।
ये आपका क्या मुख्य अक्ष है, यहाँ पे भी आपका दो फोकस होंगे और दो आपका वक्रता केंद्र होगा, समझा गया। अब आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें भी आपका क्या जाएगा, वक्रता केंद्र आएगा। सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले के भाग होते हैं, सभी गोली लेंस जो है प्रत्येक पृष्ठ का क्या होता है, एक गोले का भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, तो इन गोलों के केंद्र को लेंस का क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C1 और C2 से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, बोध को क्या करेगा 2F1 या 2F2 से क्या करता है, दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। मीन्स कि आप ये भी बोल सकते हैं मुख्य अक्ष किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिक सेंटर। अब क्या आता है, ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशित, प्रकाशीय केंद्र। अब आता है प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, लेंस का केंद्रीय बिंदु, लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे किसे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। नोट, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। अगर आपका कोई किरण आपका प्रकाश के केंद्र की तरफ से पास हो रहा है तो वो बिना विचलित किए हुए क्या हो जाता है, वहाँ से पास कर जाता है। अगर आपका मानो कि कोई रे आपका पास कर रहा है कहाँ से, प्रकाशीय केंद्र से, तो बिना विचलित किए हुए क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आता है आगे द्वारक। द्वारक क्या होता है, अपर्चर। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। तो आपका जो लेंस का अपर्चर होता है उसका जो आपका अपर्चर का व्यास होता है, व्यास, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अब आता है पतले लेंस। ऐसे लेंस जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से क्या हो, बहुत छोटा है, ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। ऐसे लेंस जिनका द्वारक क्या हो, वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा हो, तो ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। अब आता है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, ये क्या होता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर क्या करे, एक आपका ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के ये आपका क्या मुख्य अक्ष है, वहाँ पे ऑप्टिक सेंटर क्या प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पे आपका क्या वक्रता केंद्र है। आप क्या करें, उसके समांतर क्या करें, किरण को पास करवाएं, किरण को निर्गत करवाए, तो ये आपके मुड़ने के बाद, ठीक है, मुड़ने के बाद कहाँ से पास करेगा, एक बिंदु से पास करेगा मुख्य अक्ष पे, उस मुख्य बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस बिंदु कहते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर क्या कहता है, अभिसरित हो जाती है। मुख्य अक्ष पर या बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है, ठीक है, डाइवर्ज होते हुए प्रतीत होता है, तो मुख्य अक्ष पर या बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे ये आपका क्या अवतल लेंस है, अवतल लेंस में ये ऑप्टिक सेंटर है, आप क्या करवा दिए, ये प्रकाशीय बिंदु है। आप यहाँ से मुख्य अक्ष से क्या करवाए, रे को पैरेलल ले गए, समांतर ले गए। आप क्या होगा, ये डाइवर्ज होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे अपसरित होगा, और क्या होगा, अपसरित होगा। आप ये इसे जब बैक मिलाओगे तो कहाँ से लगेगा कि अपसरित हो, कहाँ से हो रहा है, एक बिंदु से हो रहा है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब आता है लेंस का फोकस दूरी जो होता है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। किसी लेंस के मुख्य फोकस से प्रकाशीय केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
फोकस दूरी का मान लेंस के वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी का आधा होता है। मीन्स कि अगर आप फोकस दूरी अगर मान निकालना चाहते हो तो वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी है उसका आधा ले लो तो ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वक्रता आर है आपका रेडियस, ठीक है, ये त्रिज्या है वक्रता केंद्र का, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × फोकस दूरी हो जाएगा। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखेंगे क्या लेंस द्वारा प्रकाश के किरण रेखा चित्र। तो ये आपको याद रखना है कि कोई मुख्य अक्ष से, इसमें भी सिमिलर जैसे आप उसमें पढ़े थे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, तो यहाँ पे भी अगर आप क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और आपका क्या है ये आपका अवतल लेंस, दोनों में अगर आपका कोई किरण अगर आपका मुख्य अक्ष से समांतर हो तो ये कहाँ से, फोकस से पास करेगी। कहाँ से क्या होगी, अपवर्तन होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से, या आपको लगेगी कि अपसरित कहाँ से हो रहा है, फोकस से हो रहा है। समझ में आ गया। दूसरा जो है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस किसे अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समान निर्गत होगी और अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होगी। ठीक है, कहाँ से लगेगा, लगेगा कि ये अगर फोकस से पास हो रहा है, कहाँ से फोकस से पास करवा रहे को रे को, तो अपरिवर्तन होने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर आ जाएगा, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा जो है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। मीन्स कि अगर कोई अगर प्रकाशीय केंद्र से रे को पास करवा दिए तो बिना विचलित हुए हुए क्या होगा, आप जैसे पास करवाए वैसे ही पास हो जाएगा आपका किरण। ये समझ में आ गया। ये तीन पॉइंट जो है आपके मेन किरण जो पास करवा रहे हैं वो तीन किरण को याद ध्यान में रखते हुए हम क्या देखेंगे, प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब देखेंगे। तो कोई हम मिनिमम कितना, मिनिमम सबसे कम 2 किरण रे को यूज करके हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे दोनों लेंस में। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। स्थिति 1, जब वस्तु मेरा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, जब मेरा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इसका, ठीक है, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो तो मेरा जो ए हो गया प्रकाशीय केंद्र और ए हो गया फोकस, फोकस के बीच में रखा जाए तो ऑब्जेक्ट को या आपका वस्तु को, तो ए आपका क्या हो जाएगा, दोरे कहाँ से निकालने बोले थे, माथा पे, माथा से दोरे निकालो, एक आपका क्या समांतर निकाल दो मुख्य एक्सिस से, मुख्य अक्ष से, जैसे निकालेंगे क्या हो जाएगा, परिवर्तन होने के बाद कहाँ से, फोकस से पास करेगा। ठीक है, उत्तल लेंस लेना है, उत्तल लेंस लेना है, क्या लेना है, उत्तल लेंस लेना है, उत्तल लेंस लेके कर रहे ना, सॉरी, उत्तल लेंस आपका इस तरह के होते हैं, उत्तल लेंस से करवा रहे हैं। तो आपका जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो यहाँ पे आप ये क्या पैरेलल ले लेंगे, किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, मुख्य अक्ष का, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिवर्तन होने के बाद कहाँ से, फोकस से पास करेगा। दूसरा क्या करेंगे, आप ये प्रकाशीय केंद्र से पास करवा देंगे, प्रकाशीय केंद्र से जैसे पास करवाएंगे ये दोनों को पीछे मुड़, ये आपका कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे क्या करेंगे, मिलाएंगे इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन से, तो क्या होगा, ये आपका कोई पॉइंट पर मिलेगा, दोनों बिंदु, ये दोनों लाइन आपका कोई बिंदु पर मिलेगा, कोई बिंदु पर मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश जो है आपका ए प्रतिबिंब बन जाएगा। मीन्स कि आपका जो क्या बनेगा, आपका जो ये प्रतिबिंब बना वो कहाँ बनेगा, आपके वस्तु के पहले बनेगा, आपका जो प्रकृति होगा वो सीधा एवं सीधा होगा और आभासी होगा। तीसरा जो आपका ये आकार जो होगा वो आपके वस्तु से बड़ा होगा। समझ आ गया। स्थिति 2, जब वस्तु फोकस पर रखा हो जाता है, जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पर रखा जाता हो, तो फोकस पर रख दिए, फोकस पर रखे तो क्या है, एक समांतर रे निकालेंगे, किसका, मुख्य अक्ष से निकाल दिए तो कहाँ होगा, अपवर्तन के बाद फोकस से पास करेगा। दूसरा अगर आप क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से पास करवाओगे तो प्रकाशीय केंद्र क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, तो ये कहाँ, ये आपका लगेगा कहाँ पर मिल रहा है, इन्फिनिटी पर मिल रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वास्तविक
एम उल्टा होगा, और आपका साइज जो होगा, आकार, आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब आगे तीसरा स्थिति जो है, जब वस्तु 2F और F के बीच हो, जब वस्तु मेरा 2F और F के बीच हो तो फोकस के बीच हो, तो फोकस के बीच हो, ठीक है, 2F और F के बीच हो। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ 2F और F के बीच है तो कहाँ बनेगा इमेज, आप देखो दो रे निकालो, क्या बोले माथा पर से निकालना है, दो रे एक क्या समांतर लेना है आपका मुख्य अक्ष से, और दूसरा क्या लेना है आपके ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र से पास करवा देना। तो जैसे पास करवाओगे, एक फोकस से पास कर गया अपवर्तन होने के बाद, और दूसरा क्या आर पार आपका प्रकाशीय केंद्र से पार हो गया। ये आप दोनों कहाँ मिल रहा है, आप देखो 2F के बाद में मिल रहा है, अदर साइड में 2F के बाद मिल रहा है। तो ये इसका जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, जब मेरा वस्तु 2F और F के बीच हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा 2F के बाद बनेगा, अदर साइड बनेगा, लेंस के अदर साइड बनेगा 2F के बाद, ठीक है। और इसका जो इमेज होंगे, ठीक है, प्रकृति जो होंगे वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, आकार जो होगा, आकार आकार जो होगा वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट, जब वस्तु 2F पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता के केंद्र पे हो, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वक्रता केंद्र 2F पे अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं, आप वस्तु को रखे हो, क्या करेंगे, दो रे वैसे निकालेंगे, एक समांतर निकालेंगे किसका, मुख्य अक्ष का, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से पास करवा देंगे। कहाँ पे बनेगा दोनों इमेज, आपका 2F पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2F पे। अगर वस्तु अगर हम 2F पे रखें तो प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, 2F पे बनेगा, देखो 2F पे आपका मैच हो रहा है, 2F पे बनेगा। और इसका जो प्रतिबिंब का आकृति जो होगा वो बराबर होगा, आकृति जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। इसका प्रकृति जो होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। अब आता है स्थिति 5, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो, जब वस्तु अनंत और 2F के बीच हो तो मेरा, जब मेरा वस्तु कहाँ, अनंत और 2F के बीच हो, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा 2F और अनंत के बीच में, मतलब 2F से पहले हो, ठीक, वस्तु, तो ये आपका क्या, एक समांतर निकालेंगे मुख्य अक्ष से, और दूसरा क्या ऑप्टिक, ये आपका प्रकाशीय केंद्र से पास करवा देंगे। जब आप ये देखो, ये पे कहाँ मिलेगा आपके, कहाँ पे मिलेंगे, 2F पे मिलेगा, कहाँ मिलेंगे, F और 2F के बीच में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ये आपका गलत फिगर है, ये आपका 2F यहाँ पे मान लो, F और 2F के बीच में आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और आपका जो प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वो वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। और आपका जो आकृति होगा वो आपके वस्तु से छोटा होंगे। ये समझ आ गया। अब आता है स्थिति 6, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु मेरा क्या अनंत पे हो, क्या करेंगे, दो पैरेलल रेज आपका ले लेंगे, समांतर रेज ले लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के बाद, अपवर्तन होने के बाद कहाँ पे मिल जाएगा, फोकस पे, फोकस पे मिलेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, उसका जो आकृति होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और इसका जो नेचर आपका प्रकृति जो होगा वो क्या होगा, उल्टा और आपका क्या वास्तविक होगा। अब आता है उल्टा लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की सारणी, सारणी आपको याद रखना है। पहला जब वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर प्रतिबिंब का आकार। जब मेरा वस्तु कहाँ पे हो, F और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, प्रकाशीय F और O के बीच में हो, तो वस्तु जो आपका जो वस्तु A बनेगा प्रतिबिंब, वो वस्तु के पीछे बनेगा। और क्या होगा, काल्पनिक और सीधा, एक ही केस में आपका, एक ही स्थिति में आपका क्या काल्पनिक और सीधा बनता है। कब बनेगा सीधा और ये काल्पनिक और सीधा, जब फोकस और O के बीच में हो, तब वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है आकार, ठीक है। अब आता है F पर, जब ऑब्जेक्ट मेरा वस्तु F पर हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति का अनंत पर बनेगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा होगा। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। F और 2F के बीच होगा तो कहाँ पे बनेगा, 2F से परे बनेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा, और क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। 2F पर रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, 2F पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर बनेगा। अनंत और 2F के बीच रहा तो कहाँ पे बनेगा, F और 2F के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अनंत पर रहा तो कहाँ पे बनेगा, F पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा रहेगा, और क्या, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अब आता है अवतल लेंस,
अब क्या आता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, आप देखेंगे अवतल लेंस से जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल लेंस द्वारा बनने प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का सिर्फ छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो अगर अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनता है उसका स्थिति क्या होता है, आपके अवतल लेंस द्वारा वस्तु का जो बनता है वो क्या छोटा होता है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और किधर बनता है, वो वस्तु के पहले बनता है। किधर बनता है, वस्तु के पहले बनता है, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पे बनता है, आपके लेफ्ट साइड में, जिधर से आपका ऑब्जेक्ट है वही साइड में आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक। अब आता है जब वस्तु मेरा कहाँ पे है, वस्तु मेरा अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो क्या होगा, आप समांतर रेज लोगे, समांतर किरण लोगे, किसका, मुकस के, मुकस में, मुकस के लोगे समांतर किरण, क्या हो जाएगा, ये आपका ये अपवर्तन होने के बाद ये क्या लगेगा कि वो डाइवर्ज कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, फोकस से लगेगा। तो इसका इमेज जो बनेगा प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत छोटी, और प्रकृति कैसा होगा, वो आभासी और सीधी होगी, आभासी और सीधी होगी, ठीक है। दूसरा जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो और आपका वस्तु, तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। आप क्या करो, एक आपका रे जो होगा प्रकाशीय केंद्र से पास करवा दो, दूसरा जो है आप क्या करो, इसके माथा से क्या समांतर ले लो, किसका, मुकस से, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होने के बाद क्या लगेगा, फोकस कहाँ पे मिल रहा है, आपके ए, देखो ये ओ और एफ के बीच में मिल रहा है, तो ये आपका स्थिति क्या हो जाएगा, ओ और एफ के बीच में बन रहा है। और क्या बोल सकते हो, प्रतिबिंब का आकार जो होगा बहुत छोटा होगा, और प्रकृति कैसा हो जाएगा, आभासी और सीधी होगा। तो अवतल लेंस से जो आपका हमेशा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रकृति आभासी एम क्या हो जाएगा, सीधा होगा, और जो आकार होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखिए कहाँ पे, एफ वन और ओ के बीच बना। प्रकृति कैसा रहा, प्रकृति प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी और सीधी रहा, और प्रतिबिंब का आकार जो बना क्या हुआ, अत्यधिक छोटा बना। आप गोलीय लेंसों के लिए चीन पट्टी पर पट्टी जैसे आपको बताए थे, किसमें, आपके उत्तल दर्पण और आपका ये अवतल दर्पण के लिए, इसी तरह यहाँ पे आपको लेना है। तो गोलीय लेंसों में सभी दूरियाँ कहाँ से प्रकाशित प्रकाशीय केंद्रों से मापी जाती है, कहाँ से मापेंगे, गोलीय लेंसों में दूरियाँ सब प्रकाशीय केंद्रों से मापेंगे। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगा क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे। जिस ओर से प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है उस भाग को ऋणात्मक माना जाता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस। जिस तरफ से प्रकाश इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, उधर आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है, ऋणात्मक लोगे, चाहे वो उत्तल लेंस हो या आपका अवतल लेंस हो। अतः जिधर हम वस्तु को रखते हैं वो भाग क्या लेगा, ऋणात्मक होता है। और आप ये जो प्रकाशीय केंद्र के अगर दाहिने साइड आप ले रहे हो तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और केंद्रीय ऑप्टिक सेंटर या प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड में अगर आप ले रहे हो तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। समझ आ गया। तो लेंस में सभी वास्तविक एम उल्टा प्रतिबिंब को धनात्मक लेते हैं। लेंस में सभी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या लेंगे, धनात्मक लेते हैं, और आभासी एम सीधा प्रतिबिंब को ऋणात्मक लेते हैं। सीधा वास्तविक एम उल्टा बन रहा है तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और अगर आभासी एम सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसे क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। वस्तु की ऊंचाई सीधा होता है इसलिए क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। एच नोट क्या लेंगे, एच नोट हम पॉजिटिव लेंगे। प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक लेंगे, और प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, याद रखना, उसके उल्टा लेते हैं, ठीक है। अब आता है लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र देखेंगे। लेंस सूत्र देखेंगे कि लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी, लेंस वस्तु की दूरी क्या यू हो गया, प्रतिबिंब की दूरी क्या भी हो गया, फोकस दूरी क्या हो गया, एफ हो गया, में संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। लेंस सूत्र के अनुसार फोकस दूरी का व्यतिक्रम, प्रतिबिंब की दूरी का व्यतिक्रम तथा वस्तु की दूरी की व्यतिक्रम के अंतर के बराबर होता है। सॉरी,
कि यहाँ पे आप ये कर सकते हो फॉर्मूला कि 1/f इज इक्वल टू लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, 1/v माइनस 1/u होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, किसका है, लेंस सूत्र। अब देखेंगे लेंस में आवर्धन, लेंस में आवर्धन मैग्निफिकेशन इन लेंस, आवर्धन को प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवर्धन को किसके, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाता है, किसको, आवर्धन को। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आवर्धन बराबर, आवर्धन को एम से डिनोट करते दर्शाते हैं, एच आई हाइट ऑफ इमेज या बोल सकते हैं आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बाय प्रतिबिंब को, ठीक है, बीम का आकार, एच आई बाय एच नोट, क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बटे वस्तु की ऊंचाई, इज इक्वल टू आप बोल सकते हो वस्तु की, क्या, प्रतिबिंब की दूरी बाय ऑब्जेक्ट की वस्तु की दूरी, ये आप याद रख सकते हो। वहाँ पे अवतल दर्पण और ए दर्पण में आपका जो मैग्नीफिकेशन आया था आवर्धन, वो नेगेटिव में लेते थे माइनस वी बाई यू, लेकिन आप लेंस में क्या लोगे, प्लस पॉजिटिव लेंगे, समझ आ गया। आप देखो आगे, आगे क्या आता है, आगे क्या आता है, क्या कि अगर एम एक से बड़ा रहा तो प्रतिबिंब आवर्धित है, मीन्स कि आपका जो, आपका प्रतिबिंब का जो आकार है वो किससे, वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर m बराबर एक है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है, अगर m बराबर एक है, m बराबर क्या है, एक है, तो प्रतिबिंब और आपका वस्तु के आकार क्या होंगे, बराबर होगा। और अगर m लेस देन, m अगर एक से छोटा हो, m अगर एक से छोटा हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा है, तो प्रतिबिंब आपके वस्तु के आकार से क्या है, छोटा है। अब आता है लेंस की समता क्षमता, पावर ऑफ लेंस इंग्लिश में बोलते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं, कि कोई भी लेंस के द्वारा प्रकाश का किरण को कितना अभिसरण कर दे रहा और अपसरण कर देने की मात्रा को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, या लेंस के फोकस दूरी की व्यतिक्रम के बराबर होता है, या लेंस के फोकस दूरी को क्या किसके बराबर, व्यतिक्रम उसके उल्टा, मतलब बोल सकते हैं पी बराबर पावर ऑफ लेंस को, लेंस की क्षमता पी से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/फोकस दूरी, इसे पी द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है डायप्टर होता है, किसे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। इसका सूत्र देखे तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/1 फोकस दूरी, ठीक है, लेंस के फोकस दूरी अगर आपका, ठीक, अब आगे देखते हैं, यदि फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता जो डायप्टर में व्यक्त किया जाता है, अगर फोकस दूरी मेरा मीटर में, हमेशा किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, तो आपका जो क्षमता होगा वो डायप्टर में व्यक्त किया जाता है। ये याद रखना कि हमेशा फोकस दूरी जो लेंगे, लेंस का फोकस दूरी वो मीटर में लेंगे, तो डायप्टर पर मीटर को डायप्टर नाम के साइंटिस्ट ने पावर ऑफ लेंस खोजे थे, इसलिए डायप्टर नाम पड़ गया उसका। नोट, उत्तल लेंस की क्षमता जो धनात्मक होती है, उत्तल लेंस का जो आपका फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए उसका क्षमता भी क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस की क्षमता जो होता है ऋणात्मक होता है, क्यों ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसका फोकस दूरी, ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक होती है। मान लीजिए कि एक लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है, और आपका इसका अर्थ क्या है कि वह उत्तल लेंस है, +2 डायप्टर बोल दिया मतलब कि वो उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी क्या है, और निकाल लेंगे पावर बराबर क्या, 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p, पी कितना दिया हुआ है, 1/2, क्या गया, 0.5 मीटर, अगर सेंटीमीटर में चेंज करके कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी जिसका कितना है, 50 सेंटीमीटर है। और यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, अगर कोई लेंस का क्षमता क्या है, -2 डायप्टर है, तो वह क्या है, माइनस आ गया ना, तो अवतल लेंस है, और उसकी फोकस दूरी क्या है, -0.5 मीटर है, या बोल सकते हैं -50 सेंटीमीटर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपका ये आपका प्रकाश आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। थैंक यू।